अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग जा रहे हैं उज्मा की नानी के घर पे। अरे ग्रीन वाला के ना, अरे येलो वाले मेरे लिए। हाँ, वो घर में से लेके जा रही है। इसमें येलो वाला रखा तो मैं येलो वाला ले रही हूँ। हाँ, अब मुझे पता है कि यूट्यूब ग्रीन कपड़ा ही पहनने वाला है। देखो कैसे पता, कैसे पता? 6:15 बज रहा है और कंटा ला रहा था घर के अंदर, तो मैं सोची चलो नानी की तरह जाते हैं उसके, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया। मैं पता नहीं लास्ट कब गई थी अम्मी से मिलने, याद भी नहीं मुझे। एक्चुअली आज जाने का था, वो सोफे का कवर जो है ना कि हम लोग ने ऑर्डर दिया सोफा बना, सोफे का कवर नया वाला, वो बोले तो 2 दिन में बन जाएगा, लेने आ जाना, लेकिन शायद नहीं बना था। तो वो कल रात में हम लोग को बुला रहे थे, लेकिन कल थकावट बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं नहीं गई। तो आज मैंने बोली थी बाबू अगर तुम जल्दी आएंगे तो अपन आज चले जाएंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अम्मी के इधर ही चले जाती हूँ, फिर उनको फ़ोन करके पूछ लूँगी अगर वो रास्ते में होंगे या कहीं से आ रहे होंगे। 7 बजे तक आ जाएंगे तो फिर वहीं के वहीं मैं कवर लेने चले जाऊँगी। तो ऐसा है, अगर 8-9 बजे का उनको आने के लिए तो फिर आज भी नहीं हो पाएगा कवर लेना। तो चले उसमें जाते हैं। ना मेरा बच्चा संभाल के रखा था। क्या क्या है यूसुफ, क्या है वो बेटा? क्या है माँ बताओ, फूफू को बताओ। नया सलाई में एक डिब्बा संभाल के रखा उसने, जो चॉकलेट यहाँ से लेके गई खाई नहीं, बोले मेरे को तो दुकान से बांध के दे दिए, मैं दोबारा जाऊंगी तो बोले कि मैं ना एक खुद खाऊंगी एक यूसुफ को खिलाऊंगी, तो लेकर आई अभी बराबर वो जेली वाली। क्या जेली बेटा, उल्लू की दुकान। नहीं अभी भी कहा है यूसुफ, खा लिए जेली? जेली खा लिए कहा? उज्मा तो अपनी दुनिया में। सबको बताओ पापा, मुबारक हो। आज ही घर क्या है एडमिशन, बहुत बड़ी बात है। बेटा तो मैं आप लोगों के साथ घर पे एक बात शेयर नहीं की जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि उज्मा का स्कूल में एडमिशन हो गया, जिधर इंटरव्यू देने गई थी और मैं टेंशन ले रही थी, तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दिए थे और कमेंट में भर भर के कमेंट किए थे कि उज्मा का हो जाएगा, वो बहुत इंटेलिजेंट है, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अल्लाह के करम से हो गया। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी दुआ देते हो। फाइनली टेंशन फ्री, आज एडमिशन हो गया है उसका। 1 तारीख आज 1 अप्रैल। मैं अप्रैल फूल नहीं बना रही, असली में बोल रही हूँ, हम भी नहीं तो बोलेंगे। सही बात है, 1 अप्रैल है ना पब्लिक, ये ना सोची कि अप्रैल फूल नहीं बना रही है, सच्ची में मेरी उज्मा का एडमिशन हो गया। हाँ तो दिखाना जल्दी जल्दी, दिखा दे यहाँ पे, दिखा दे वहाँ पे बैठ जाओ। खाला क्या हेरबिन वो वाला? अरे वाह, दीवानी है ना। अरे बाबा कल गई थी ना उज्मा, ये जीनी और ये दोनों साथ में गए थे ना, ये तो मालूम है ना 5 नंबर गए थे। कपड़े हाँ, शॉर्ट्स नाइस। कितने का लेगा ये बोलो? 7 नंबर पे पहले लेते थे हम लोग तो 30-40 रुपए, नहीं 40 रुपए का तो मिलेगा ही आराम से। किस पे? किस पे? ये शिमर है ना, 30 का। गर्मी का ना माशाल्लाह। हाँ। लेकिन ये अभी साइज के हिसाब में इसका प्राइस अभी ठीक है, क्योंकि पहले उज्मा छोटी थी। हाँ। ये ज्यादा प्राइस में मिलना चाहिए अभी, मतलब ऐसा है छोटे बच्चों के कपड़े 30-30 में ही दे रहे। क्या बात है, अरे इसका सुन लो, इसका पहले सुन लो। हाँ बोलो, किसका कपड़ा है? ये मेरी है, ये उज्मा की है। ये तो कोई लोग स्लाइम लेके ऐसा बैठा जैसे कि खीर खा रहे। ये वाली टी शर्ट दोनों भाई बहनों की सेम सेम ली है। नाइस, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, जीनी को बताओ, जीनी को बताओ येलो कलर, ये देखना है, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आएगा ना? हाँ आ जाएगा, सब आ जाएगा। ऐसे कपड़े पहनाते थे ना मम्मी, बाबू लेके आते थे। अरे ये कपड़ा, हाँ लेकिन देखिए कपड़े पे गिरा देगी, उधर से ये इधर से ये देख देख, इन लोग को हटाओ, कपड़े पे गिरा देंगे। ये है उज्मा की शॉप, मस्त रहे। पहले उज्मा ऐसे ढीले ढीले कपड़े पहनती थी सुकली, अभी फिर पहनूंगी, गर्मी में ऐसे कपड़े बहुत अच्छे रहते। थोड़े बड़े कपड़े लिए, देखिए सेम टी शर्ट लिए यूसुफ के लिए और उज्मा के लिए, दिखाई देता है।
दिखाई। एक टी शर्ट सेम है दोनों की, नहीं ये पहना अलग है। हाँ, नहीं ये अलग है, इसके लिए भी लिया है ये वाली। ये हाँ। ये लोकल दो महीना घर में रहेगी काली का, और ये दो महीना इंशाल्लाह उसको मैं दिल भर के मेहंदी लगाऊंगी ऐसा कुछ। मेहंदी अलाउड नहीं, और उसको मेहंदी चाहिए रहता, तो मैं रमजान ईद में तो लगाऊंगी, लेकिन एक बार अब बीच लगाऊंगी उसको मेहंदी में। उधर मेहंदी नहीं चलता वो स्कूल में। दिखा मम्मा, ये दिखा दो। दरवाजे में ही बैठ गए लोग, थोड़ा खसक के भी नहीं बैठे। घर में ऐसे रहते सब लोग, घर में थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मन मुंह भी धोने का मन नहीं था। आलस ये यूसुफ पगड़ी दिखाओ, बहुत खुश है मेरा बच्चा। कंग्रेचुलेशन करो, हाथ मिलाओ, गले मिलो, गले बोला मुबारक हो, मुबारक करो। कल आई थी ना इसने छन्नी। अच्छा पांच नंबर गए थे कल, विराट मार दी थी ना। क्या चाव छाव है, क्या चाव छाव है। अरे बाबा ये चाव छाव आई के लिए बताओ, चलो दो दिन से बोल रहा है, बाकी छुट्टी लग गई बोली ना आके। उसने उज्मा आएगी, उज्मा पा आएगी, हर चीज ला रहा है एक एक उठा। तो आज मैं क्यों आई उसकी जिद की वजह से, अम्मी दो दिन हो गया, मैं बोली चल गार्डन जाते, तो नहीं गार्डन नहीं जाने का, मेरे को नानी के तो लेके चलो। हर चीज ला रहा है आजकल, नहीं तो पहले कैसा ना, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है करता था ना, अभी नहीं। अब दुकान से जानबूझ के लाएगा ना तो दो चीज ले जाएगा। समझदार हो गया ना बच्चा, अभी अभी और समझेगा धीरे धीरे, समझदार हो गया। अभी एक स्लाइम खोला था, एक स्लाइम रखा रखा था, तो वो अभी तो करती रहती है वही वही करती है करके, तो सीखा ना वो भी, उसका देख के सीखा। नहीं अल्लाह मेरे बच्चे को बाहू कैसे हो गया, उस दिन घर से आ रहे थे ना तेरे, हमारे पास से उस दिन आ रहे थे। अरे यार मेरा तो नाम ही खराब है, मेरे घर पे आता है तो लग जाता है, घर से निकलता है तो लग जाता है। तेरे वहाँ से अच्छा आया और हमारे दिल्ली में आके गिरा। अरे बाप रे, देखो ना कैसा उसको लगा आया। उसमें कभी तो ये सही हो जाएगा, आप उसमें कभी यही हालता, पूरा घूम फिर लेती, बाद में घुटने पे लगता था, घर के पास आके धपक, धपक ये भी धपक, दोनों धपक। सुबह से मेरे पीछे जिद कर रही है अम्मी, सुबह से चलो ना अम्मी तैयार हो ना। मैं कैसी पड़ी थी घर के अंदर मेरे को पता, निकलने के टाइम फेर डाली आग पे। अरे क्या अम्मी, ये गाउन ना मैंने दूसरी बार पहनी, पहली बार पहनी थी तभी आग लग गई थी। जब तू लोनावला गई थी सरप्राइज देने आई थी मैं, तूने देखी ग्रे कलर का टॉप ली जिसका यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर है एम्ब्रॉयडरी, सेम मैंने भी। लेकिन नाजिया ये दिख रहा नहीं बेटा, ये दिख रहा नहीं, हाथ लगाए ना तो महसूस हो रहा है। हाँ दिख रहा नहीं क्योंकि वो पहले दिन ही आग लग गई, वो ठंडी सेक रहे थे हम लोग। देख ना जीनत, दिख रहा नहीं है बिल्कुल भी, नहीं दिख रहा, ये भूल गया। तो तूने सेम क्यों मंगाई? अरे मैंने बहुत पहले मंगाई मीशो से, तू उस दिन पहनी तो मेरे को याद आया अम्मी, क्या ये एडी है ना ये। उस दिन ना कबाट खोली, तेरे से पहले मंगाई थी, तूने बाद में मंगाई। और मैं बोल रही हूँ अम्मी आपने भी मंगा ली वीडियो में आई, तो मैं सरप्राइज देने आई थी तेरे को। नेक्स्ट वही जिसका बांधनी का दुपट्टा है ना, तो ब्लैक कलर का टॉप, अच्छा समझ गई मैं। ओ भाई साहब ये तेरे मंगाने से पहले मंगाई, लेकिन मेरा ग्रे कलर है, तेरा ये मिट्टी कलर है, नहीं कलर सेम ही, एकदम एग्जैक्टली सेम है भाई। बोलती चलो आज आपा पहनी है तो आज मैं भी पहनी, पहन के जाऊंगी, पहन के आई थी। मैं बोले हम लोग दोनों एक वीडियो में दोनों साथ में रहेंगे, और पहन के तो यार तू गायब। अल्लाह मेरे बच्चे का बहू देख रहे भाई, क्यों मंगाई सेम सेम कपड़े? क्योंकि मेरे को वो गाउन मेरे पास, अभी इतने गाउन ना मेरे को लंबे हो रहे हैं, लेकिन अल्ट्रेशन करने का टाइम नहीं। मैक्सी देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी हाइडर्स की, जानते बाबा मैक्सी पहनना छोड़ी थी मैंने, ऐसा लग रहा नहीं, हमें ऐसे नहीं लग रहा मैंने छोड़ी थी करके, बस वो दो दिन से ना बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही घर के अंदर, तो ना वो लाल वाली मैक्सी निकाली, मैं बोली कितनी वो पुरानी हो गई ना मैं, कितना 4 साल पुरानी हूँ, मैक्सी का कलर फेड हो गया। आइए चाय पीने के, कलर फेड हो गया लेकिन फिर भी पहन रही हूँ, अगर वो फट गई तो फिर थोड़ी ना पहनूंगी। अब नहीं ले रही मैं मैक्सी, गाउन ही इतने हैं तो ये मैक्सी का ही काम करता है। बस इतना का थोड़ा सा ना अस्तिन अपने को उसमें बराबर खुला चाहिए। हाउ आई वंडर
अबाउट द लाइका डायमंड इन द स्काई। ये तुम्हें ना फुफ्फू को पढ़ाओ, जॉनी जॉनी पढ़ाओ। यस पापा। नो पापा, नो पापा। ये गलत था। मछली जल की रानी है, पढ़ो मछली जल की पढ़। जीवन उसका हाथ लगाओ, बाहर निकालो, मुंह में डालो, तेल में डालो, तल जाएगी। ये गलत है, नहीं ये सही है। सो अभी अम्मी जा रहे हैं बाजार, हम लोग ने दो दो कप चाय पी लिए, चाय पी के हो गया। बाय बाय, मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज, जा रही हूँ मैं, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। मैं भी जा रही हूँ अभी वो सोफे का कवर लेने के लिए। आप लोग भी अपना ख्याल रखना बोल रहे हैं अम्मी, और आप लोग है ना मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलना, तो आप लोगों के साथ कवर एडवांस में रमजान मुबारक। हाँ, आप लोगों को मेरी तरफ से भी, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से रमजान मुबारक। अम्मी बाजार जाएंगे, मैं सोफे का कवर लेने जाऊंगी और अगले व्लॉग में बताऊंगी मेरा। अभी बाजार का टाइमिंग कल परसों से चेंज हो जाएगा है क्या नहीं। चलो अल्लाह हाफिज़ बाबा, अपना ख्याल रखना। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।